एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि, और इससे पहले एक उदाहरण मैं दे दूं, नहीं तो फिर बहस थोड़ी भटकेगी। नीतीश बाबू जब सरकार में आए पहली बार, तो महिलाओं ने 3% बिहार में अधिक वोट किया था। मैंने जब वो आंकड़ा देखा तो मेरे मन में आया कि भाई महिलाएं बिहार जैसे राज्य में अगर पुरुषों से अधिक संख्या में मतदान कर रही हैं, तो इस मतदान का कोई संदेश है। और तब मैंने जहां कहना था वहां कहा कि मुझे लग रहा है कि लालू राबड़ी राज का समापन हो रहा है। उसी उदाहरण को मैं सामने रखता हूं। सामान्यतः भारत जैसे देश में, महानगरों को छोड़ दीजिए, अन्यथा शेष देश में महिलाएं ये कहती हैं, भाई अब ठीक है, माना जाता है कि पुरुष ज्यादा राजनीतिक विमर्श में हिस्सा लेते हैं, वो अपना सुबह से कपड़ा लत्ता पहन के बढ़िया प्रेस किया निकल जाते हैं चुनाव वाले दिन, महिला घर में बच्चे भी देखे, खाना भी देखे और जिम्मेदारियां देखे, तो प्रतिशत हमेशा रहा कि महिलाओं का लोअर रहा, पुरुषों का ज्यादा रहा। इस बार केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश में अब तक 3% महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है, उसका अर्थ, और उत्तर प्रदेश ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया, 6% वोटिंग ज्यादा है छठे चरण में महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले। 6%, 6% का अर्थ तो हम लोग जानते ही हैं मेरे ख्याल से कितना होता है सुजाता पांडे। ये 6% की अधिकता महिला वोटों की, ये क्या कह रही है? मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये कुछ नहीं कह रही है ना, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो लोग ना समझ है ना, ये धूर्त है, ये कुछ तो कह रही है। क्या कह रही है, आपकी समझ क्या कहती है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ समय से 2014 के बाद से स्पेशली ऐसा हुआ है कि महिला मतदाता जो है किंग मेकर की भूमिका में नजर आई है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सभी जगह जहां जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जिस भी पार्टी को वोट किया वो पार्टी सत्ता में आई। आप 2022 का इलेक्शन देख लीजिए, जो योगी जी के खिलाफ, योगी जी के सेकेंड टर्म के मुख्यमंत्री के लिए था, या फिर दो उसके पहले 19 देख लीजिए, या 14 देख लीजिए, 19 में 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया था और बीजेपी सत्ता में भी आई। महिला जो है मजाव जी, 3 चीजों पे वोट करती, जो जैसे मैंने कहा, पहला कि वो लाभार्थी योजना है, कि हमारी जिंदगी, हमारा घर बार, हमारा राशन कौन सुधार रहा है। दूसरा सुरक्षा, सुरक्षा में सिर्फ सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, वो भी होती है, लेकिन आर्थिक सुरक्षा भी होती है, इम्पावरमेंट जिसको सशक्तिकरण कहते हैं वो भी देखती है, और तीसरा भावनात्मक जुड़। और ये तीनों चीजें जो हैं वो ये दिखाती हैं, और जब महिला जब बाहर निकल के वोट करती है भरी दोपहरी में गर्मी में, तो वो जानती है कि वो कौन सा बटन दबाएंगी और क्यों दबाएंगी। पुरुष चाहे हो सकता है कि जातियों पे चुनाव करें या फिर वो किसी आइडियोलॉजी को चुनाव करें, महिलाएं देखती है कि हमारे मुद्दे क्या हैं। तो जब महिला वोट करने जाती है तो वो देखती है कि हमें राशन कौन दे रहा है, वो देखती है कि हमें चूल्हा चौका की जो जो धूल धक्कड़ थी उससे किसने बचाया, वो देखती है कि हमारे बच्चियों को जो छात्रवृत्ति है वो कौन दे रहा है, वो सुरक्षा कौन दे रहा है, वो माफियाओं को खत्म कौन कर रहा है, रात में निकलने जब जब वो जाती है तो उनको सुरक्षा कौन दे रहा है, और साथ ही साथ उनको उनको पहली बार घर कौन दे रहा है, घर का मालिकाना हक कौन दे रहा है, पहली बार बैंक अकाउंट उनके नाम से पासबुक में जब आया तो उन्होंने पहली बार महसूस किया कि तो उनका भी अकाउंट हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी देखती है कि पहली बार हमारी मदद किसने की, क्योंकि क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था लेकिन वो चला नहीं। अखिलेश यादव ने भी जो गुंडा माफियों को कम करने, जो अपनी छवि सुधारने की कोशिश की, चली नहीं। बीएसपी तो खैर नदारा दिए, पूरा चुनावी जो ठीक समीकरण ठीक उत्तर है प्रदेश में सुजाता, नारा। ठीक। अच्छा, एक और बात बीएसपी का जिक्र कर दिया सुजाता ने, फिर राठी साहब आपके पास आ रहा हूं। बीच बीच में छेपक बहुत जरूरी है। बीएसपी का जिक्र कर दिया सुजाता ने, बीएसपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपनी महिला विंग कभी बनाई नहीं। मैंने कांशीराम जी से एक बार पूछा, मैंने कहा आपने किसी महिला को टिकट नहीं देते? तो उन्होंने किस्सा सुनाया था, वो यार टीवी पर नहीं सुनाऊंगा, कि क्यों नहीं देते, क्या बवाल हो जाएगा। बीएसपी ने उधर देखा ही नहीं, बोले ना दरवाजा बंद करो, बवाल काटो, क्या केवल पुरुषों का चलेगा मामला, महिला की पूरी भागीदारी के लिए मायावती जी अकेले हैं, बाकी सब नो महिला, जिला से लेके गांव से लेके ऊपर तक महिला नहीं। खैर, राठी साहब,
आपकी पार्टी की का रिश्ता और भरोसा महिलाओं में कितना है, एक, और समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे आया, उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं जो महिलाओं को बहुत अंदर तक आहत कर गई, पूर्व में भी और इधर, है ना? 4 बार तो मुलायम सिंह जी, 3 बार रहे मुख्यमंत्री, 1 बार अखिलेश जी ने, 4 बार। ये जो 6% महिला वोटर बढ़ा है छठे चरण में, ये किस लिए बढ़ा है? ये उज्ज्वला, शौचालय, मकान, ये आपका मुद्रा योजना से लोन, योगी जी का शासन कि भाई लड़की छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, ऐसे 85 उदाहरण है। ये उसका कारण है कि महिलाएं ज्यादा निकली, या आपको लगता है कि नहीं, अब आपका के प्रति महिलाओं की धारणा बदली है इसलिए आपको वोट देने के लिए निकली हैं? राठी साहब ये सिर्फ कहना है, मैं बता दूं अमिताभ जी, जी, ये सच्चाई में कहीं नहीं आएगी कि अगर छेड़ा अगले चौराहे पे अमराज मिलेंगे। ये पूरे उत्तर प्रदेश में छेड़छाड़ चलती है और रोज अखबार में रहता है। बाकी हाँ, इतना मैं आपको बता दूं, 1090 हेल्पलाइन अखिलेश यादव जी ने चलाई थी जिसपे लाखों शिकायतें आती थी और उनका निस्तारण होता था। अभी हमारी बहन भी दुनिया भर की बातें बोल रही थी कि किसी ने ये योजना चलाई, उसने वो योजना चलाई। आपके हिंदू मुस्लिम के साथ सामने कुछ नहीं चला। आपने नहीं, जो लड़के पूरा हैं, 10 साल लड़कों से हिंदू गलती मुस्लिम हो जाती चलाया, है, ये जो हिंदू लड़के मुस्लिम हैं, चलाया ना, लड़कों से गलती हो जाती है। अब मैं बोलूंगा मेरे बीच जी में जी सब बोलेंगे, आप मुझे सुझाते पता तो है, उनकी और बात आ अमिताभ जाती जी है। भी भैया नहीं आप बोलो, रोकेंगे। विजय बाबू आप बोलो, अमिताभ जी महिला भी मैं नहीं बता रही हूँ रोकेंगे, आपको, अरे आप भी बोलो बोलेंगे, अमिताभ जी भी बोलेंगे और मैं चुप बैठ के सुनूंगा, यही होता है हमारे साथ। यही है मैंने हमारा मकसद। पिछले मैंने सुजाता जी अभी अभी रुक जाइए, अभी केवल पहले विजय राठी वक्तव्य की आवाज पे, पहले जाएगी। वक्तव्य पे मैंने बहुत सारी बात बोली। मैंने बेरोजगारों की नौकरी की बात जी की, मैंने आरक्षण की बात की, संविधान की, लेकिन सारी चीजें छोड़ के जो हिंदू मुसलमान का टॉपिक भी कुछ टाइम आप लोगों ने चलाया, बीजेपी के प्रवक्ता ने, वो सूट करता आपको। ये हिंदू मुस्लिम के करके ही आपने सब कुछ लिया और उस पर आप कहें कि प्रधानमंत्री जी की, योगी जी की किसी योजना को लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं कर रहे। लोगों की फसलें खाई जा रही हैं, लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, आरक्षण पे कुठाराघात है, नौकरियां नहीं मिल रही, ओबीसी के नाम पर किनका नाम आ रहा है? 69,000 जो भर्तियां हैं शिक्षकों की, उस पे देख लो ओबीसी के नाम पे कौन भर्तियां ले रहे हैं। अभी तक उसके धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, केस नहीं सुलझा है। किसानों को दामने, और एक और चीज बता दूं, योगी जी ने कहा था बिजली का बिल माफ करेंगे। ठीक है, जानते हैं बिजली का बिल माफ करने के लिए क्या शर्त है अमिताभ जी? शर्त यह है, अगर आपको 2023 का बिजली का बिल माफ कराना है अपनी ट्यूबवेल का, तो ट्यूबवेल पे मीटर लगवाइए, नहीं तो ब्याज सहित उसको दीजिए। बताइए कंडीशन क्या मंच से बोली थी योगी जी ने? कितने लोग बताएंगे इस चीज को? जी बिजली का बिल माफ नहीं हुआ, क्योंकि ठीक है राठी जमीन साहब के जी, मुद्दे हैं जो हकीकत है जमीन के उनको मुद्दे, ठीक जनता है जानती है, ठीक है उनको ठीक जनता है जानती है, ठीक है, अब लेकिन रुक जाओ, हिंदू मुस्लिम पे ये लोग अब चुनाव रुक जाओ, जीते अब गए, रुक जाओ, अब जनता उसको भी फिर समझ चुकी है। ठीक, अब रुक जाओ। मुझे आप टाइम देते नहीं, टाइम अरे कितना मैं बोल, मुस्लिम कितना को आप बोलेंगे, कितना कम समय देते, क्या नहीं टाइम देते, कितना कम समय देते, गजब कर रहे हो, बोलने ही नहीं देते। एक आरएलडी इतना का तो जवाब बोल दो गए, सेकंड अब में कितना आपको, बोलोगे, आरएलडी का 2 सेकंड दे दो, दो अल्ले सेकंड दे दे दो दिए, सेकंड खुश दो रहो, सेकंड दे दिए, आरएलडी के हमारे मित्र की सुनिए, इन्होंने कहा कि मुद्दे अब एनडीए के बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन हमें पता है, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं। जयंत चौधरी जी ने अग्निवीर के ऊपर 44 जनसभाएं की हैं कि अग्निवीर योजना खराब है। आप उधर चले गए, अब आप कहेंगे अग्निवीर भी हमें थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही है। मतलब 2 साल में पूरा उनको आपने विरोध किया और अब आपको लगने लगा यार ये तो सही चल रहा था। एक और चीज मैं आपकी साफ कर दूं, इस बार आप में और बीजेपी में यह हुआ कि बागपत में तो बीजेपी वालों ने आपको वोट नहीं किया, ठीक है, और अब आगे, अगर आप अब बात ज्यादा करें हो रहा है बिजनौर की, राठी, और दोनों अब ज्यादा जगह हो रहा है, आपका आगे लट बजा, आगे, अब बीजेपी आपकी वालों को आवाज तो बंद आप कर फेर रहे दीजिए, हैं क्योंकि आगे बात, कार्यकर्ता दल, आगे, आपने 1 मिनट में, 1 मिनट मांगा था, आप 2.5 मिनट चले गए, अब रोक दो इनकी आवाज, ठीक है, आगे बात, आप धैर्य रखो। समाजवादी पार्टी कभी तथ्यात्मक बात क्यों नहीं करती भाई? वो हर बात में आ जाती कि हिंदू मुसलमान ना करो। मुलायम सिंह जी ने कहा एक बार कि हमने ये आदेश दिया है डीजीपी को कि हर थाने में इतने मुसलमान सिपाही हो, ये सुनिश्चित कराओ। मुलायम सिंह जी ने कहा जब अखिलेश जी की सरकार थी कि हमने मुस्लिम डीजीपी बनवाया, अखिलेश से कह के कि ना मुसलमान बनेगा। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये पंचतंत्र की कहानियां है, अजब बात करते हो यार। आपका सांसद कह रहा है कि हम संविधान बदल देंगे,
मुसलमानों के लिए, ये सत्यनारायण कथा है। और कोई दूसरा बोल दे तो एक ही लाइन आपको याद है, बाकी तो आपका रिकॉर्ड अटक जाता, बोले हिंदू मुस्लिम नहीं। अरे ये क्या आप सत्यनारायण कथा पढ़ रहे हो भैया, ये क्या कह रहे हो? हर थाने में इतने मुसलमान क्यों हो? ये किस किस संविधान के तहत नियम है जो नेताजी ने कहा था? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भैया, इसलिए इस बहस में ज्यादा ना पड़ा करो। बीच में एक आध बार बोल दिया करो संपुट की तरह कि हिंदू मुसलमान, लेकिन ज्यादा नहीं खींचा करो उसको, उसमें तो फिर पोस्टमार्टम हो जाएगा तो चीजें खराब हो जाएंगी मित्र। खैर, प्रजात पटेल जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी क्या कह रही है कि भाई भाजपा केवल हिंदू मुसलमान कर रही है और बाकी किसान नाराज है, महिला नाराज है, पुरुष नाराज है, बच्चा नाराज है, बूढ़ा नाराज है, बीमार नाराज है, स्वस्थ नाराज है, सब लोग नाराज हैं आपसे। जी चला जाते हैं, 14 से देख रहे हैं, कभी किसान आंदोलन चल जाए, कभी किसान नाराज है। अरे अपने चौबीस में गुरु देख लिया, 24 में तुम्हारी कहानी खत्म होने वाली है। अभी केवल प्रशांत पटेल की आवाज जाएगी जी, शायद ध्यान रखिए, केवल प्रशांत पटेल की आवाज जी। किसी किसी कहानी समाप्त होगी तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। और भाई ये लोग तो कह के बनाते थे कि हम चीफ सेक्रेटरी उस्मानी को बना रहे हैं, डीजीपी जावेद अहमद को बना रहे हैं, अखिलेश यादव के एक विधायक थे, उन्होंने बलरामपुर में थाने की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बना दी है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया 1 महीने पहले कि उस मस्जिद को ढाया जाए, उसे विधायक और उसके भाई पर FIR हुई है। अभी जब कार्रवाई होगी तो यही अखिलेश यादव कहेंगे देखो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। भैया थाने की सरकारी जमीन तुम्हारे शासनकाल में 2015 में मस्जिद बना ली गई है। ऐसे कितने कुकृत्य समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए हैं, कुलायम सिंह यादव को तो मैंने बताई दिया। और हम जब आपके कुकर्मों को बता देते हैं कि भैया आपने ऐसा किया तो कह रहा हिंदू मुस्लिम करे, हम भैया नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, आपने जो कुकर्म किया उसको हम जनता के सामने बोल रहे हैं, उसको बोलना गुनाह नहीं है। आपके घोषणा पत्र में, आपके सहयोगी दल के घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि हम जिस प्रकार से आंध्र और केरला में मुसलमान रिजर्वेशन दिया उसी प्रकार हम देंगे, और आपने कर्नाटक में रिजर्वेशन दे दिया है। आप अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हो कि हम 5% मुसलमानों को, सारे मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और हम जब कह देते हैं कि भाई आप जो दे रहे हो ये संवैधानिक रूप से गलत है तो हमारे पूरा आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करें। हम नहीं कर रहे हैं, हम आपकी कार्यस्थानियों को बता रहे हैं कि आपने जो कुकर्म किए हैं उनको बता रहे हैं। आप जो धर्म के आधार पर कार्रवाई करते थे, पुलिस में भर्ती करते थे धर्म के आधार पर, बाकी जगह अत्याचार करने काम करते, उसको हम बता रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो बिना किसी भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, किसी को धर्म देख करके आवास, शौचालय और ये हर घर नल नहीं मिला है, हेल्थ कार्ड किसी को जाति धर्म देख करके नहीं मिला, सभी को समान रूप से मिला है, भले हमें वोट मिले ना मिले, लेकिन हम तो अपने वोट देने के लिए ईमानदार हैं। आप लोग तो मुसलमानों के प्रति ईमानदार नहीं है, जिनका वोट लेते हैं खाली खेती कर दिए। आप लोग अपने वोट बैंक के प्रति ईमानदार नहीं है, रिजर्व बैंक में क्या ईमानदार होंगे? आप उनको मुरादाबाद से टिकट काट दिया, मेरठ से काट दिया, मुरादाबाद से एसोसिएशन का टिकट काट दिया, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के प्रति ईमानदार नहीं है। आप जब अपने वोट बैंक के प्रति ईमानदार नहीं है तो बाकी जनता के प्रति कैसे ईमानदार रहेंगे? जो जनता आपको वोट देती है, जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता है, उसको टिकट देने में शर्म करते हैं भैया, उनको भूल के देंगे टिकट? आप खाली टिकट पे क्यों आ गए? क्यों दिए? महाराष्ट्र में 48 में से एक भी टिकट नहीं दे पाई। आप लोग अपने वोट बैंक के प्रति ईमानदार रहिए ना, उनके कहिए हमको वोट देंगे। हम तो हमें जो जनता जो जाती है वोट देते हैं, हम सब कुछ टिकट देते हैं, समान रूप से टिकट देते हैं, चंदा लेकर किसी का भेदभाव करने का नहीं किया। लोगों को कोविशील्ड लगवा करके मौत के मुंह में झोंक दिया, इस पे कब बात करोगे? नौकरी की बात नहीं करोगे आप लड़कों की? किसने कोविशील्ड लगा के मौत के मुंह में? 20 करोड़ यादव के चेले हैं, 20 करोड़ नौकरी इकट्ठी हो गए, 20 करोड़ उसके पहले ऑस्ट्रेलिया की डिग्री दिखाते थे, लड़के दौड़ रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पैसे इकट्ठे हो गए थे। अमर सिंह ने बताया कि अक्षय यादव आप पास नहीं हो पाते थे, अर्थव्यवस्था में पैसा भर के आता था, जब 4 महीने तक ऑस्ट्रेलिया की डिग्री अपने वीडियो में दिखाते रहे, इस चुनाव में अक्षय यादव ने अपनी ऑस्ट्रेलिया की डिग्री दिखानी बंद कर दी। ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, जब तक मुख्यमंत्री रहे नोएडा नहीं गए, ऐसे अंधविश्वासी अक्षय यादव थे। कैसे दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों ठीक है भाई, ऐसे बहस मत करिए।